नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपको वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम मुखी दुकान के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आती है, बंसल जी हमारी ही दुकान है जो कि ये फेसिंग है और हम अपनी दुकान में ये काम करते हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी दुकान में काम प्रॉपर तरीके से चलता रहे। मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसको उसका फल क्यों नहीं मिलता? कहीं ना कहीं वास्तु दोष हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आपकी अपनी दुकान है और वेस्ट फेसिंग है और आपकी दुकान अच्छी नहीं चल रही, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है कि सही है और आप अपने यहाँ छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि आपको रिजल्ट बेहतर जरूर मिल जाएंगे। आपका काम दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जाएगा। आज जिस विषय पर बताने जा रहा हूँ वो है वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम मुखी दुकान, और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है फ्रंट का भाग यानी आपकी दुकान का जो बाहर का भाग है, जो रोड का भाग है, वो कैसा होना चाहिए, आपकी दुकान का फ्रंट का एरिया कैसा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अंदर का सेटअप तो हमारा सारा बहुत बढ़िया होता है, लेकिन बाहर का जो सेटअप होता है उसमें कहीं ना कहीं वास्तु दोष बन जाता है और उसके बारे में आदमी जरा सा भी ध्यान नहीं देता। मेरे को वास्तु विजिट करते हुए 24 साल हो चुके हैं और मेरा अपना जो 24 सालों का अनुभव है वो अनुभव आपके साथ मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहता हूं। आप नोटिस कीजिएगा, आपकी दुकान वेस्ट फेसिंग है तो आपके बाहर यानी जो आपकी अपनी रोड है, जो सड़क है, वो टूटी हुई ऊबड़ खाबड़ अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए। आपकी रोड स्मूथ होगी, प्लेन होगी, आपकी दुकान के सामने का एरिया साफ सुथरा होगा, नीट एंड क्लीन होगा, तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ कस्टमर आएगा भी और सामान लेकर भी जाएगा और आपको प्रॉफिट भी देकर जाएगा। ऐसे ही दुकान के बाहर ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिक पोल आ जाता है या पेड़ आ जाते हैं या सूखा पेड़ भी दुकान के सामने आ जाता है। यदि आपकी दुकान के सामने इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या सूखा पेड़ है, तो आपने क्या काम करना है? सबसे पहले तो नोटिस कीजिए कि आपकी दुकान के नॉर्थ वेस्ट में यानी इस कोने में कोई पेड़ खड़ा हुआ है, सूखा पेड़ है, तो उसमें आपने क्या काम करना है? सूखे पेड़ के पास में आपने एक बेल लगानी है और वो बेल आपने सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ानी है। इसी के साथ पेड़ के चारों तरफ छोटे छोटे पौधे जरूर लगाएं। ऐसा करने से सूखे पेड़ का जो वास्तु दोष है वो काफी हद तक कम हो जाता है। ऐसे ही यहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है या टेलीफोन का पोल है या यहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर के चारों तरफ जाली लगी हुई है, तो आपने क्या काम करना है? यहां पर नॉर्थ वेस्ट जोन में आपने पोल के ऊपर ग्रे कलर या सिल्वर कलर का पेंट कराना है। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जाली लगी हुई है, तो उसके ऊपर भी आपने ग्रे कलर या सिल्वर कलर का पेंट करवाना है। व्हाइट कलर का पेंट भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। पेड़ के आसपास, टेलीफोन के खंभे के पास में चारों तरफ और ट्रांसफार्मर के चारों तरफ मिट्टी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ईंट अद्धे रोड़े इकट्ठे नहीं होने चाहिए। उन्हें समय समय पर साफ कराएंगे तो भी आपका काम सही होता चला जाएगा। ऐसे ही आपके यहाँ साउथ वेस्ट जोन में यानी नैऋत्य कोने में कोई पेड़ लगा हुआ है, तो जो उपाय मैंने यहाँ बताए वो उपाय आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोल है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपने जो कलर करना है वो व्हाइट कलर कर सकते हैं या इसके ऊपर येलो कलर कर सकते हैं या आप क्रीम कलर कर सकते हैं। जहाँ तक कंफर्टेबल हाथ चला जाता है वहाँ तक आप पेंट कराएंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिजल्ट बेहतर जरूर मिलेंगे, बाहर का वास्तु दोष काफी हद तक सही हो जाएगा। इसी के साथ आपने एक बात और ध्यान रखनी है, बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि जो अपना फ्रंट होता है, फ्रंट के बाहर में फुटपाथ का एरिया होता है कुछ, उसमें नाली बनी हुई होती है और नाली के ऊपर पत्थर ढके होते हैं। बहुत सारी जगह तो स्लैब डली हुई होती है पूरी की पूरी लंबी, कुछ जगह पीसीज में पत्थर लगे हुए होते हैं। आपके यहाँ पीसीज में पत्थर लगे हुए हैं और उनके बीच में गैप है, तो मैं कहूंगा कि उन पत्थरों को अच्छे तरीके से मिलाकर, उनको अच्छे तरीके से मिलाएं और उनमें सीमेंट लगाकर अच्छे तरीके से पैक करें। ऐसा करने से भी आपकी सेल प्लस हो जाएगी, आपका काम बढ़िया होता चला जाएगा। इसी के साथ आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जो
नाली है, यदि आप उसको एक बार अच्छे तरीके से क्लीन करा सकते हैं तो मैं कहूँगा कि आप उस नाली को एक बार पत्थर लगवा के क्लीन कराएं और उसके बाद अच्छे तरीके से पत्थर ढकवाएंगे तो उससे भी आपको फायदा जरूर मिलेगा। पत्थर जो लगे वो सारे एक लेवल में ही लगने चाहिए, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ नहीं होने चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होने चाहिए। आपका अपना जो शटर है, शटर पर जो कलर करना चाहिए वो कलर आपको अपने यहाँ वाइट कलर या ग्रे कलर का पेंट या सिल्वर कलर का पेंट ही करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी सेल प्लस हो जाएगी, आपका काम बढ़िया होता चला जाएगा। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये उपाय आप अपनी दुकान के अंदर यानी दुकान के जो बाहर का एरिया है उसमें कर लेते हैं तो आपका काम अच्छा हो जाएगा और ये काम करने में भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने छोटे छोटे ऐसे उपाय बताए हैं जो आप अपने यहाँ आराम से कंफर्टेबली कर सकते हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं तो आप मेरी वीडियो को कई बार देखें और उसके बाद आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव जरूर करें। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने पिताजी के साथ, अपने फादर के साथ रहकर प्रैक्टिकली सीखा है, और हमारी जो प्रथम पुस्तक है, हमारे पिताजी द्वारा लिखे जो प्रथम पुस्तक है लक्ष्मी में प्रवेश कैसे हो, उसे पढ़कर इस कॉन्सेप्ट को सीखा है। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या अपनी बिल्डिंग को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी, और आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। हमारी इस पुस्तक को पढ़कर भी आप वास्तुशास्त्र की ढेर सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर 500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो वीडियो भी देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।